हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रेमलता भूषण। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मूंग दाल की कचौरी बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल जैसे हम होटल में या हलवाई के यहाँ से लाते हैं, खाते हैं, उस तरीके से हम बनाएंगे। आइए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 बाउल, 4 चम्मच मैंने देसी घी ली है, 1 कटोरी मैंने ऑयल लिया है, 2 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, सौंफ को थोड़ा सा दरदरा मैंने पाउडर बना लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच चीनी है, हींग 1 चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 2 हरी मिर्च काट लिया है मैंने, और 2 चम्मच आमचूर पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार है। तो फ्रेंड्स, पहले इस बेसन को हम भून लेते हैं। थोड़ा सा मुझे भूनना है बिना ऑयल के, और मूंग दाल को हम पीस के दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको दरदरा पीसना है, बहुत महीन नहीं पीसना है। तो आइए पहले हम मूंग दाल पीस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने मूंग दाल पीस के दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। इसको एक किनारे रख देते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आटा बनाएंगे। आटा को गूंदना है अच्छी तरीके से। तो आटे के लिए मैंने देसी घी लिया है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। आइए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है। और अब हम पहले बेसन भून लेंगे इस तरीके से डाल के। हल्का सा भूनना है बेसन, चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, बेसन को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम कम कर देंगे और पलट लेंगे किसी दूसरे प्लेट में। तो देखिए दोस्तों, मैंने प्लेट में निकाल लिया है बेसन भुना हुआ, और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल गर्म हो गया है दोस्तों। तो आधा चम्मच मैंने हींग लिया है, छोटी चम्मच से आधा चम्मच है। हरी मिर्च 2 कटी हुई, 1 चम्मच जीरा, चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। कुटी हुई सौंफ लेंगे, मैंने डाल दिया है 2 चम्मच कुटी हुई, और दरदरी मैंने पीसी हुई थी सौंफ। लाल मिर्च 2 चम्मच, गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है। गैस का फ्लेम कम कर देंगे। थोड़ा सा बेसन डालेंगे, जो मैंने भुना हुआ है बेसन कटोरी, उसे डाल देंगे। चलाते हुए थोड़ा सा और मसाले में भून लेंगे, 2 मिनट के लिए चलाएंगे। देखिए उसके बाद हम मूंग दाल डालेंगे। अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे पहले मूंग दाल को। तो देखिए दोस्तों, मसाले में बहुत अच्छी तरीके से करीब 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे और चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भूना है, और इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे। मैंने 2 चम्मच लिया है आमचूर पाउडर। थोड़ा सा चीनी डाल देंगे 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच थोड़ा सा और डाला है। देखिए इसी तरीके से मिक्स करना है और अच्छे से भून लेना है। चलाते हुए तो भून लेते हैं पहले 2 मिनट और। तो देखिए दोस्तों, चलाते हुए करीब 3 मिनट हमने और भुना है मसाले को। तो देखिए हमारा मूंग दाल कचौरी का स्टफिंग तैयार हो गया है, और इसे ठंडा होने के लिए हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस ऑफ कर देते हैं। उसके बाद फिर हम आटा गूंदेंगे। देखिए दोस्तों, मूंग दाल की स्टफिंग तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है, और अब हम आटा बना लेते हैं। तो मैंने आटा 1 बाउल लिया है, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा डालना है 1/2 चम्मच। देसी घी लिया है मैंने, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या फिर आप वनस्पति घी डाल सकते हैं। अच्छे से मोयन देना है इसको, अच्छी तरीके से देंगे मोयन। तो देखिए दोस्तों, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स किया है देसी घी इसमें, और अच्छे से मोयन दिया है। और इस तरह की मुट्ठी बांधने से बन जानी चाहिए आटे में। तो आप इस तरह की बांध के देखिए, तो अच्छे से मोयन दिया हुआ है। अगर अच्छे से मोयन नहीं होता तो मुट्ठी नहीं बनता है। और थोड़ा सा ज़्यादा मोयन लगाने से कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। घी का मोयन लगाने से थोड़ी क्रिस्पी बनती है कचौड़ी। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, गूंद लेते हैं आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंदते जाएंगे, और एक सख्त और मुलायम सॉफ्ट सा आटा बना लेंगे। बहुत गीला आटा नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा जैसे हम कचौड़ी और पूड़ी उंगली बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आटा अच्छे से गूंद लिया है और बहुत सॉफ्ट आटा गूंदा है। और चलिए अब हम कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है, कढ़ाई हम चढ़ा दिया है गैस पर। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लोई लिया है आटे की। देखिए इस तरीके से हम लोई की छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, इस तरीके की लोई लेते हैं जैसे हम पूड़ियों के लिए लेते हैं। थोड़ी बड़ी साइज़ की लेंगे हम कचौरी के लिए, क्योंकि हमको इसमें
स्टफिंग भरना है। आप चाहें तो थोड़ी छोटी बना सकते हैं। पहले हम इस तरीके से बेल के रख लेंगे एक एक करके। देखिए एक चम्मच या फिर दो चम्मच जितने भी आ जाएं स्टफिंग में भरने के लिए कचौड़ियों के लिए, देखिए एक चम्मच या डेढ़ चम्मच आप डाल सकते हैं स्टफिंग। चाहें थोड़ी सी बड़ी और बना सकते हैं, दो चम्मच भर सकते हैं स्टफिंग के लिए। तो देखिए इस तरीके से हम बना के दबा देंगे हाथ से। एक और बना कर दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियों को बना लेते हैं और फिर उसके बाद डीप फ्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने कचौड़ियाँ बना ली हैं मूंग दाल की। अब आइए हम उसको तल लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था पहले से, तेल गर्म है और अब हम इसमें एक चेक कर लेते हैं, छोटी सी हम कचौड़ी डाल के चेक कर लेंगे दोस्तों। तो तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा लो मीडियम आँच में ही हम तलेंगे कचौड़ियों को। एक ही कचौड़ी हम डाल देंगे इस तरीके से। कढ़ाई में जितने आ जाए हम उतने ही डालेंगे। दो मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद उसको पलट देंगे हम दूसरी तरफ। उनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, थोड़ा पलट पलट के थोड़ा सा दो दो मिनट के बाद पलट देंगे इसको इस तरीके से। देखिए तो देखिए दोस्तों दोनों तरफ से हो गया है गोल्डन ब्राउन और अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियों को बना लेंगे। देखिए दोस्तों मैंने सभी कचौड़ियों को बना लिया है, अब आइए सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनी है कचौड़ी मूंग दाल की। तो देखिए दोस्तों मैंने सर्व कर लिया है, प्लेट में खाने के लिए बिल्कुल तैयार है कचौड़ियाँ मूंग दाल की। इसे हरी चटनी, खट्टी चटनी के साथ खा सकते हैं और टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। नाश्ते में आप चाय के साथ ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपको। शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।